किया? इंस्पेक्टर, ये कैसे हुआ और कहां? काली मंदिर के पास एक्सीडेंट हुआ, इन्हीं के कार में इनकी लाश मिली। गाड़ी और बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि इनकी लाश पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन इनकी गाड़ी का नंबर हमारे पुलिस स्टेशन में रजिस्टर था। इन पर दो एक्सीडेंट के केस भी हुए थे। एक बार इन्होंने एक आदमी के साथ मारपीट करके उसे गाड़ी से उड़ा दिया था, और दूसरी बार शराब पीकर दो लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। उसी जानकारी के आधार पर हमने इनकी लाश की शिनाख्त की और यहाँ लेकर आए। लेकिन ये एक्सीडेंट कत्ल की साजिश लगती है। किसी ने इनका मर्डर किया है। पर इनका मर्डर कौन करना चाहता है? क्या मानसी ने उस वक्त कान में मशीन पहनी थी जब मैंने अमर को कहा था कि मार डालूंगा उसे? अगर इसने सुन लिया तो आज मैं गया। आप में से रुचिका कौन है? जी, मैं हूं। क्यों? क्योंकि इनके मोबाइल पे लास्ट मैसेज आप ही का था। आपने इन्हें काली मंदिर के पास बुलाया था ना? क्या? मेरा मैसेज? मैंने कोई मैसेज नहीं किया था। मैंने नहीं बुलाया था इन्हें। अच्छा, आपने मैसेज नहीं किया था? मैडम, क्या आप अपना मोबाइल दिखा सकती है प्लीज? जी। आपके मोबाइल पे लास्ट मैसेज नहीं, ये मैसेज मैंने नहीं भेजा। सबूत आपके सामने है मैडम। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा इंक्वायरी के लिए। कौन सा लैला? मैंने कुछ नहीं किया है। बहस मत कर, चल निकल यहां से। मैंने कहा था ना, करूंगी मैं, भरेगी तू, मारूंगी मैं, मरेगी तू। तुझे क्या लगता है तेरी काली नागिन ने मारा अमर को? वो नागिन बिना मतलब के ना ही वो किसी को मारती है और ना ही किसी पर मरती है। मतलब है नागमणि। हो सकता है कि हम सबको मार के नागमणि लेके भाग जाए। वो नागमणि उसकी असली नागमणि रॉकी है, और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि हम दोनों को मार के वो रॉकी को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। तो फिर उसने क्यों मारा उसे? मेरा मतलब, अगर मैसेज किया तो उसी ने मारा होगा। तुझे क्या लगता है? अब मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूं, जब वो आएगी तब उसे पूछ लेते हैं। अभी तो वो पुलिस को बैठ के सब बता रही होगी। वो नागिन है, बहुत देर तक वो जेल में नहीं पड़ी रहेगी। देखना, वहां से निकल जाएगी और यहाँ आ जाएगी और अपना फन फैलाकर बोलेगी, देखो मैं आ गई। लो, आ गई काली नागिन। ये जेल से कैसे निकले? पुलिस वालों को भी डस लिया? अरे किससे पूछ रही है, मासूम जानवर बेजुबान होती है। चल मेरी जान, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ जा और बता
पुलिस के साथ क्या गुल खिलाकर आ रही है तू? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जय हिंद सर। इस कत्ल की अच्छी तरह से तहकीकात कीजिए, तब तक इसे लॉकअप में रखिए। यस सर। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, दो दिन बाद लौटूंगा, तब तक तहकीकात पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है सर। जयंत सर। ऑफिसर, उस लड़की को छोड़ दो। सिर्फ एक मैसेज के बेस पर हम उसे जेल में बंद नहीं रख सकते। फोन तो कोई भी किसी का यूज कर सकता है। मेरे ख्याल से तुम इस केस की नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है सर। शिंदे मैडम, छोड़ दो उसे। और वो मैसेज किसी ने तो भेजा था। जिसने भी भेजा था, पता लगा के रहूंगी कि वो कौन है। I still can't believe, Shuki, कि पापा इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी। वो घर आके सबसे पहले हमें देखते थे, और आज पता चल रहा है कि हमें सामने ना देख के वो क्यों इतना परेशान हुआ करते थे। मैं जानती हूँ माँ बाबा जब गुजर जाते तो कितना दुख होता है, बच्चे कितने अकेले पड़ जाते। मैंने भी अपने माँ बाबा को खोया। मैं तुम लोगों का दुख कम तो नहीं कर सकती, पर बांट तो सकती हूं। इनका कसूर नहीं था, फिर भी इनको ये सजा मिली। ऐसा क्यों होता है? ये रुचिका बाहर कैसे आ गई? मेरे मां रुचिका, रियली बहुत खुश हूं कि तुम घर वापस आ गई हो। हाँ रुचिका, तुम्हारे वापस आने से कौन खुश नहीं होगा? पर तुम वापस आई कैसे? मतलब उन लोगों ने तुम्हें छोड़ा कैसे? सबूत? पुलिस को लगा कि मोबाइल कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई भी किसी का मोबाइल यूज कर सकता है। कमिश्नर ने ऑर्डर्स दिए और छोड़ दिया। रॉकी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? अमर मेरे लिए अंकल जैसे थे। ऐसा क्यों सोच रही हो रुचिका? तुम भला ऐसा क्यों करोगी? थैंक्स रॉकी। वाह, क्या नाटक है दोस्ती का। सिर्फ एक मणि के लिए मेरे सामने प्यार को दोस्ती का नाम दे रहे हो। जानती हूँ प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, पर ये भी हो कातिल हो तुम लोग। मिलके मारा है तुम लोगों ने मेरी माँ को। छोड़ूंगी नहीं, जैसे अमर को सजा दी तुम दोनों को भी सजा दूंगी। रॉकी, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। इस घर पे कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, तुमने कर लिया काफी है मेरे लिए। पर रुचिका, अगर तुमने वो मैसेज नहीं भेजा तो किसी ने तो भेजा ना, और शायद वो इस घर से ही हो। तुम कैसे पता करोगी कि कौन है वो? उसे ढूंढना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
वो कैसा? बाएं हाथ का खेल है तो ढूंढो ना। ढूंढ लिया, समझो ढूंढ ही लिया। अभी इस गुनहगार को सबके सामने लाते हैं।